भारतीय जनता पार्टी के साथी में जो आरोप प्रत्यारोप अमेठी को लेकर कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के नेताओं के ऊपर लगाया, जो आपने प्रस्तावना में ये बात कहा था कि हमारे देश की कुछ परंपराएं रही हैं, कुछ नैतिकता प्रतिबद्धता रही है हर राजनीतिक दलों का, आपने पहले ही कह दिया था कि कम से कम आज तक ये होता आया है, खासकर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने ज़्यादा समय तक देश में राज किया है, कि कभी भी कम से कम बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरीके से राजनीति नहीं की जाती है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि एक बार जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी चुनाव हार गए थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था, एक बहुत अच्छे पार्लियामेंटेशियन हैं, उनको पार्लियामेंट में रहना चाहिए और उनको कहीं सीट छुड़ा करके उनको चुनाव लड़वा करके उनको सदन में लाने का काम किया था। ये है कांग्रेस की परंपरा। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो ये दिखाता है कि समाज में कैसे अपने विपक्ष के नेताओं को, चाहे जितना बड़ा नेता हो, उनमें कितनी नफरत, उनको उनके प्रति उनके अंदर कितना नफरत है। आप 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए कि हम अलायंस होकर के 56 सीटें हमारी आई थी, 44 सीटें कांग्रेस की थी, इन्होंने नेता पक्ष का टिकट जो है हमें पद नहीं दिया, और वहीं पे अरविंद केजरीवाल जी वहां पे आम आदमी की पार्टी का मात्र इनके 3 विधायक थे भाजपा के, इनको नेता पक्ष का जगह दिया। तो कहने भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति जिस तरीके से राजनीति करती है, और मैं कहना चाहता हूँ अमेठी की बात आई है राजीव अभिनंदन जी, तो अमेठी में जो विकास हुआ है, अमेठी रायबरेली क्षेत्र में जितने विकास कहा हुआ है वो शायद अपने आप में बहुत बड़ा पैमाना है। अगर हुआ होता तो क्या आंखों में क्या अमित शाह जी, क्या स्मृति ईरानी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सब लोगों को वहां जाकर रैली करने की जरूरत पड़ती अगर हुआ होता तो? सर सर, ये आज इन्होंने 21 परियोजनाओं का शिलान्यास आज किया। अमित शाह जी ने बाकायदा ये आरोप लगाया, ये आरोप लगाया करके कि पिछले 10 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ, लोगों को गुरबरा इनका। सर आरोप लगाना तो भारतीय जनता पार्टी का एक शक्ल बन गया है। सर सर मैं कहना चाहता हूँ, राजू भाई आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं बहुत सम्मान आपका करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, और आप अपना आपकी पूरी टीम आज वहाँ पे थी, जितने काम आप जगदीशपुर उठा के देख लीजिए, एक से इफ्को का बहुत बड़ा फैक्ट्री, और अभी जब 2014 के पहले हमारी सरकार थी तो ये महिंद्रा ने जो है बिरला खानदान ने वहाँ पे सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा जो है फूड का पार्क बनाया जा रहा था, जिससे कम से कम पूर्वांचल के सारे जिलों के किसानों के बहुत बड़ा उसमें खुद में उस उद्घाटन उस शिलान्यास समारोह में लगे हुआ था, और आज स्मृति बहन ईरानी जी ने उसको बंद करा दिया है। कागज का बहुत बड़ा कारखाना था, जब जब स्मृति ईरानी जी अमेठी में गई हैं, कम से कम दसियों परियोजनाओं को उन्होंने ताला लगवाने का काम किया है, बंद करवाने का काम किया है, और रही बात आज जिन परियोजनाओं का इन्होंने शिलान्यास करने का काम किया है, वो पहले ही आदरणीय श्री राहुल गांधी जी वहाँ के सांसद उन योजनाओं का, उन परियोजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भाई अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उद्घाटन किया था, आप इतने बड़ी सूची और लिस्ट के बाद आती है, फिर इनके सारे नेता फोटो खिंचाने के लिए ये दूसरे के काम का अपना बनाने के लिए उसका उद्घाटन करते हैं। राजीव भाई मैं कहना चाहता हूँ, सर हमारा सवाल ले लीजिए, राजीव भाई मैं कहना चाहता हूँ, हम सिर्फ जोड़ रहे हैं उसको, अपनी बात में जोड़ लीजिएगा, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास एक बड़ी सूची है ना जो डेवलपमेंट राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या यूपीए की सरकारों ने करवाया है, इसके बावजूद आप विकास के मुद्दे पर अपने घर में घिरे हुए हैं और बीजेपी आपको घेर रही और आपके पास कोई माकूल जवाब नहीं सिवाय ये कहने के कि ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव सर ये केवल ये अफवाह है जो जनता को भ्रमित करने का इनकी एक साजिश है। मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी कि जब
2002 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, 2005 में अहमदाबाद में इन्होंने मेट्रो का शिलान्यास किया था, 15 साल मुख्यमंत्री के बनने के बाद और 3 साल प्रधानमंत्री के बाद जो शिलान्यास जैसे वहां पे हुआ था वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। एक इंच भी नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये विकास के दुश्मन है, ये जनता के दुश्मन है, ये लोगों में नफरत पैदा करके केवल जो है यही तो परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे गुजरात की परिवार की पिछली सरकार विकास की दुश्मन थी, वही बात आप कह रहे हैं। और एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि साहब कौन विकास कर रहा है और कौन विकास का दुश्मन है। अब्दुल हफीज गांधी साहब को लाने दी, फिर हम आपकी बात का जवाब लेंगे। अब्दुल हफीज गांधी साहब को लाने दीजिए। अब्दुल हफीज गांधी साहब, अब्दुल हफीज गांधी साहब, इलाका जरूर हमें ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे ठीक है, गुजरात पर सुखरा साहब बोले जा रहे हैं, ठीक 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 है, आगे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का सखारा अभी से साहब कर देंगे तो पूरी डिबेट कैसे चलेगी। आगे सर, आगे चलते हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, कहा जब विकास की बात करते हैं तो सिर्फ गुजरात या दूसरा मॉडल ही हमारे सामने आता है, बाकी कहीं कोई और मॉडल